बढ़ा दिया है, लोग बेरोजगार हो गया है, देश को बर्बाद कर दिया, बिहार को बहुत गड्ढे में ले गया है, जुमलेबाज सरकार है, कहीं कोई काम काज नहीं है। अभी युवा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। नमस्कार, आ गई है आप सबकी भौजी सोनम भौजी कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के सनौरा प्रखंड में। आप सभी से रूबरू होने के लिए, आप सबसे चटपटी गपशप करने के लिए। कौन कहता है कि बिहार में का बा, बिहार में चुनाव बा और चुनाव में जनता के मन में का बा, तो ये तो जनते बताई, चली पूछल जाई। चुनाव का समय है तो कैसन नेता चाहते हैं? नेता काम करने वाला चाहते हैं, नेता काम करने वाला चाहते हैं। और बताइए कि जो है कि क्या होना चाहिए नेता, मतलब कैसा लगता है आपको चुनाव का जो समय है तो कैसा होना चाहिए? ये जो सदानंद का बेटा जो है मुकेश, वही होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है? युवा है और ये अच्छा है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, इसीलिए इनको ही आना चाहिए, जो कि समझे गाँव क्षेत्र में युवा का बेरोजगारी क्या होता है। आप बताइए। हाँ, यही है कि मुकेश बाबू होना चाहिए, ये जो है बहुत बढ़िया आदमी भी है और पढ़ा लिखा भी है और सब कुछ काम करने में ये ध्यान देता है, और जो इतना जो काम जो हो रहा है यहाँ पर, ये सदानंद बाबू का काम है। यहाँ पर कहलगांव विधानसभा में घर घर एकदम जो रोड पहुँचा दिया है, बिजली भी पहुँचा दिया है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार तो निकम्मा है, इतना काम खराब कर दिया कि आदमी को बेरोजगारी मार दिया है, सब नौजवानों को एकदम किसी को मिलता नहीं, आज तक तो किसी को मजदूरी भी नहीं मिलता है करने के लिए, भूखा मरता है, कितना रोड पे उतर गया है, क्या करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आप अभी सुने कि इन्होंने कहा कि आदमी भूखा मर रहा है, खाना मिलता है और कांग्रेस ने काम करता है, बीजेपी सरकार कोई काम नहीं करता है, कुछ स्वागत करते हैं गरीब दुखिया को, कुछ मरता है पानी वास्ते, रोड वास्ते कुछ नहीं मिला, और उस ग्रामीण विकास को मोदी साहब मुर्दाबाद। चलिए, आप बताइए इनका। हम यहाँ का सहोला का धरती जो है, यह सदानंद बाबू जो है बहुत काम किया, यह रोड बनवाया उन्हीं का देन है, बिजली ग्रिड उन्हीं का देन है, सदानंद बाबू का देन है। एक बार कांग्रेस आई से सदानंद बाबू को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी जो है सदानंद बाबू को टिकट नहीं दिया, वह निर्दलीय से लड़ा, शेर छाप हम लोग खून के मदद किए और यह सनौला धरती, और मुकेश बाबू जो है इंजीनियर है, और अब की बार हम लोग पूरे समाज और पूरे गांव वाले मुकेश बाबू का समर्थन में है, और मुकेश बाबू को फुल बहुमत से जिताएंगे, यह काम करेगा, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। इस बताइए चाचा, आपको कैसा लगता है? देखिए, हम तो बीजेपी के पार्टी से हैं, हम तो पवन यादव का समर्थक है, उनका कैडर वोट है, वैसे हम यहाँ के लोकल प्रतिनिधि जो है सदानंद सिंह, अगले इलेक्शन में उन्हीं को वोट दिए थे, अभी तक तो कोई जा कर के इसमें हमारे अंदर में ये नहीं हुआ है कि हम किनको वोट दें नहीं दें, हम कैंडिडेट विशेष पे वोट देते हैं, पार्टी विशेष पे तो देते ही थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट विशेष पे। कि जो है कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का शोर है, सबने अपने अपने राय दी है, आपका क्या राय है, कैसा नेता होना चाहिए? मुकेश जी से अभी तक इस फील्ड में कोई नेता अच्छा नहीं है, और जितना भी नेता है वो बिहार लेवल से, उसका एजुकेशन जो है और सोच जो है उनका बहुत ही अच्छा है, और उनके पास एक गुरु का हाथ है जो सदानंद बाबू है, और इनसे बेहतर इस इलाके में या हमारे क्षेत्र में ये कहलगांव विधानसभा में कोई अच्छा नेता नहीं है, और हमारी जनता जो हमारे क्षेत्र की है वो पूरी जनता का समर्थन है, लेकिन अब यह है कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, इनका ही वोट है और यही जीतने वाले हैं, इनके अलावे कुछ नहीं है, इनकी छवि साफ सुथरी है, कोई केस मुकदमा नहीं है, अन्य लोगों पे कुछ केस मुकदमा भी है, छवि खराब है उनका, इसलिए जनता मुकेश बाबू को चाह रहा है और ये भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए चाचा, अभी आप सुने इनका ये जो बोले, आपको क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए? शुभानंद जी तो बहुत काबिल नेता है, इंजीनियर हैं, और इनका सरकार है अपने पिता का, वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सेवा किए हैं इस क्षेत्र का, जहाँ तक केंद्र सरकार का है तो आप देखा कि बेरोजगारी बढ़ा दिया है, लोग बेरोजगार हो गया है, लॉकडाउन में लोग भुखमरी के कगार पर है, आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ लोग महागठबंधन के साथ है, मुकेश बाबू को जिताने पर तत्पर है।
चलिए आप बताइए जो कि बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अपने काम में हैं। अच्छा तो चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का शोर है, यहाँ पे भी लोगों ने अपने अपनी राय दी है, तो आपका राय क्या है कि कैसा नेता होना चाहिए? जो युवाओं के लिए रोजगार दे, शिक्षा का समुचित व्यवस्था करे, और इसके लिए हम समझते हैं महागठबंधन की सरकार सबसे बेहतर है। 15 साल का इसका कुशासन देश को बर्बाद कर दिया, बिहार को बहुत गड्ढे में ले गया है। जुमलेबाज सरकार है, कहीं कोई काम काज नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की भी हालत बिगड़ी हुई है, आप स्कूल की व्यवस्था देख रहे हैं। तो हमारे लिहाज से महागठबंधन का सरकार तीनों दलों के नेतृत्व में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और युवाओं का वही भला करेंगे। अच्छा तो आप ये बताइए कि जो है कि चुनाव का समय है, यहाँ पे सब ने अपने अपने राय दिए, सबके मन में जो बात थी उन्होंने बताई, आपके भी मन में कुछ होगा अपने सरकार को लेकर, जो जनप्रतिनिधि को लेकर के, तो आप कुछ बताइए। हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं अभी फिलहाल शिवानंद मुकेश जी, उन्हीं का थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। और बात रही अब विकास की, तो विकास उनके पिताजी थे उसके पहले, और विकास की गंगा बहा है यहाँ। ये बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का माहौल है, तो आप जो आपकी जो यहाँ पे व्यवस्था है सन्होला प्रखंड की, आप उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं? कौन सा से तो बिल्कुल अभी उस तरह से संतुष्ट नहीं है, जो जिस तरह होना चाहिए तो उस तरह तो अभी नहीं हो पाया। अभी तो जितना काम था और बहुत कुछ अभी बाकी है। आप बताइए कि आपके जो प्रखंड की जो व्यवस्था है, आप उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं? सर्टिफाइड तो हैं, लेकिन नीतीश गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए इस बार बिहार में। कैसा लगता है आपको, कैसा नेता होना चाहिए? सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, जैसे हर स्टेट में, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है, ये बंगाल में तो ममता बनर्जी का है, वहाँ भी होना है, राजस्थान में, जैसे 5 साल पे परिवर्तन होता है, वैसे बिहार में भी हर 5 साल पे परिवर्तन को कर देना चाहिए, उससे विकास डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ही होगा। तो इन्होंने कहा कि परिवर्तन जरूरी है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, परिवर्तन जरूरी है? एकदम बिल्कुल जरूरी है और सही भी है। कैसा परिवर्तन हो चुके हैं नीतीश जी को, 15 साल हो चुके हैं, 15 साल शिक्षा के व्यवस्था तो बिल्कुल आप भी समझ रहे हैं, आपके माध्यम से पूरा जनता भी जानेंगे कि शिक्षा का स्थिति क्या है। चलिए उस चीज़ को छोड़ दिए, 15 साल के दरमियान में अभी लॉकडाउन में लोग को इतना परेशानी हुआ, लेकिन उसके बावजूद में बगल में झारखंड सरकार है और सरकार है, वो लोग को जो देखे तो हम लोग को रोना आया कि पब्लिक का स्थिति क्या जा रहा है। इसलिए यहाँ से, यहाँ का विधायक इससे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे इंसान हैं, युवा भी हैं, और हम लोग को बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और ये हमको लगता है जहाँ तक कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के शोभानंद मुकेश का प्रबल दावेदार ही रहेगा। आप बताइए कि यहाँ पे इन लोगों ने जो कहा कि ये संतुष्ट है, तो आपको क्या लगता है, आप कितना संतुष्ट हैं इनकी बात से? संतुष्ट तो यहाँ है नहीं, ये लोग जो है ना, ये हमेशा 15 साल पीछे का बात करता है, जंगल राज, जंगल राज। ये 15 साल में इतना भ्रष्टाचार है, इतना अफसरशाही राज है, तो हमेशा पीछे की बात करता है। अभी प्रवासी मजदूर जो आए, रास्ते में कितना मर गया, कितना कहां कहां चला गया, फिर 6 महीना घर में बैठ करके भी पूरा सब पैसा खत्म हो गया, फिर कर्जा उठाया, फिर 5% पे ब्याज लेकर के, फिर 2500 गाड़ी में भाड़ा दे करके, बस में, ट्रेन में चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय है, बाल बच्चे का कपड़ा कहां देगा, खाना के, खाने में दिक्कत है, तब वो लोग क्या किया, तो अभी 2500 में बस में भाड़ा दे करके फिर दिल्ली जा रहा है, उसके विषय में नीतीश कुमार को नहीं सोचता है। अनेक टाइम में भी इतना मरा, रास्ते में मर गया, भूखे मर रहा है, दुर्गा पूजा का समय है, अपना कपड़ा क्या लेगा, बच्चा बुतरी को कपड़ा नहीं दे सकेगा, खाने का आफत है, 5% पे ब्याज लेकर के भी 2500 दे करके दिल्ली जा रहा है वो लोग। अभी युवा से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है, हम यही कहते हैं, आप लोग को धन्यवाद देते हैं, आप लोग सन्होला में आए यहाँ पर भी तो आप कितना सहमत है इन सब बातों से, और आपको कैसा सरकार होना चाहिए ये बताइए। देखिए पहले इस क्षेत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, सन्होले जैसे बाजार में कोई चीज़ का कमी नहीं है, एक जूता सीने वाला है, एक पान दुकानदार है, यहाँ
तो कमा के खा लेता है, जी लेता है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जितने बार से आ रहे हैं जीतते हुए, यहाँ शिक्षा के व्यवस्था को गर्त में गिरा दिया। अभी साल भर हो रहा है जो कि यहाँ हाई स्कूल में IAS और IAS के पढ़ाई चालू हुई है, जबकि दूसरे विधानसभा में 4 साल 5 साल से जितने बड़े नेता यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उतने सन्हौला क्षेत्र के शिक्षा को गर्त में गिरा दिया गया। जबकि ये इतने बड़ा यहाँ के नेता थे जिसको बिहार का मुख्यमंत्री सलाम ठोकता था, प्रणाम करता था, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व थे। लेकिन आपको कैसा नेता चाहिए? एक बात सुन लीजिए, पहले तो हम क्षेत्रीय बात कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो होना चाहिए, आज सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। अगर शिक्षा का स्तर उठ जाएगा हाँ तो आदमी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सन्हौला बाजार में कोई चीज का कमी नहीं है। अभी इस बाजार में अगर किसी महिला को शौच की जरूरत हो तो एक जगह शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि हाँ हर जगह मुहिम है। तो अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि की कमी है, जबकि हर घर में शौचालय बनने की जरूरत है। कहीं कोई बस स्टैंड हो, कहीं हो, हर तरह का सामना कष्ट करना पड़ता है। आपका कहने का मतलब है कि परिवर्तन होना चाहिए इस बार? परिवर्तन हो के रहेगा कहलगांव विधानसभा। चलिए परिवर्तन हो के रहेगा, चाचा को पूरा विश्वास है। आइए आगे चलते हैं और आगे जानते हैं जनता की राय। आइए तो हम आ गए हैं बस स्टैंड चौक सन्हौला पे और जानते हैं यहाँ से जनता की क्या है मन में राय। चुनाव का समय है, कैसा नेता चाहते हैं? नेता बढ़िया है, नेता बढ़िया चाहते हैं। यहाँ जो अपना व्यवस्था है सब चीज से खुश हैं? सब चीज से। चलिए सब चीज से चाची खुश है। आप बताइए जो है कि दीदी की कैसा नेता चाहते हैं? जो सब चीज अच्छा करे, काम करे, काम करे। आप यहाँ जो व्यवस्था है आपका सन्हौला प्रखंड का, आप उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? खुश होगा आदमी तो हम भी खुश रहेंगे। आदमी खुश होगा, आप अपना बताइए कि आप कुछ चाहते हैं? अभी रोड बना है तो आदमी खुश ही रहेगा। रोड बना इसलिए दीदी जी खुश है। कहाँ चाची, कहीं जा रहे हैं क्या? ना क्या करें। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि जो है कि चुनाव का समय है, कैसा नेता चाहते हैं? चुनाव का समय है, कैसा नेता चाहते हैं? जनक सब बांध देते बांध देवे मुंह से नहीं, जनक सब भेज देते हो ना तो के ना दबो, जैसे कि तोरो हो चाहिए ना हमरो एना नेता चाहिए, तो अपनो बताबो। अपना एना नेता हम नहीं देवे। तो भैया आप लोग ये बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का शोर है, सबके मन में उत्सुकता है, तो कैसा नेता चाहते हैं? जो अच्छा हो, जो अच्छा हो, अच्छा करता हूं, जो काम अच्छा करता। आप बताइए भैया कि आपको कैसा नेता चाहिए? अभी तक तो डिसाइड नहीं किए, डिसाइड नहीं किए हैं। आइए आगे पूछते हैं, आप बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है? हम यहाँ का रहंदर नहीं है, कलकत्ता का है। कोई बात नहीं, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। आइए चाची कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि चुनाव का समय है, कैसा नेता चाहते हैं? सब भाग चाहे कहबो तोरो। अच्छा हमरो कहबो बाद में कहबो, अच्छा ठीक है अबो बादों में। चलिए आगे चलते हैं। चाची आप लोग लाइन में इलाज करवाने के लिए लगे हैं, यहाँ क्या होता है, चिट्ठा कटता है, तब क्या हो रहा है यहाँ? लाइन से बेटा हमारे कखनी है इसमें, कखनी इस लाइन में है? 9 बजे से, 9 बजे से लाइन में, अभी तक काम नहीं हुआ है? ना 9 बजे आई लो। कैसा व्यवस्था है यहाँ का? देखो कत्ता नतीजा है, नतीजा है, चुनाव का भी समय आ गया है, तो कैसा नेता चाहते हैं? सब जो व्यवस्था है सब चीज से आप लोग खुश हैं? की करिए हम चाची दुखी। आप बताइए कि चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए, जो व्यवस्था है आपका सन्हौला प्रखंड का उससे आप कितना खुश हैं? बढ़िया नेता जो है 8-9 बजे से आबिक बैठलो अच्छी, 8-9 बजे से आकर के बैठे हैं अभी, अब दुपहर में खड़ो अच्छी आरो संजे, और कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है अभी तक? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलिए, ये लोग सुबह से बोल रही हैं कि लाइन में खड़े हैं, काफी धूप है और कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, व्यवस्था अच्छा नहीं है। चलिए हाँ, तो आपने देखा कि इन लोगों ने बताया कि ये लोग सुबह 9 बजे से खड़े हैं और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो चलिए इनकी जो है समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और इन अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से नए एपिसोड में, नए जगह पे, नई लोगों के साथ, नए बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, देखते रहिए चुनाव के रंग सोनम भौजी के संग।